को प्रथमे आपण मानको स्वागत जनाउची। देखो फ्रेंड्स, आपण मानक मध्यरो बहुत सारा पिला एमिते प्रश्न पचाइथिले जे ओडिसा रे जो सबनेट साफ सिलेक्शन कमिशन अंडर रे आरआई अमिन एसएफएस फॉरेस्ट गार्ड पई जो जो प्रश्न पत्र जाइथिला यूट्यूब माध्यम रे आपण माने हमकु पचारथिले तार उत्तर म आपण मान सहित वर्तमान वीडियो रे शेयर करबि। जहा जा डाउट रहिची आपण माने चाकरी ठु आरंभ करिकी फॉर्म पकेय ठु आरंभ करिकी चाकरी पर्यंत जहाँ जहाँ डाउट रही से सब डाउट मुझे क्लीयर करी तेज आपण मानी ये डाउट क्लीयर सेक्शन टी बहुत इम्पोर्टाट रेणुक आपण मैंने भिडियो को शेष जाए देखूँ जो मर डाउट थी जो मैंने पचारिथे से प्रश्न को तेज से जाणि रखा उचित जे भिडियो मध्यम डाउटा को क्लीयर करी तेणुक भिडियो को शेष जाए देखिए ओडिशार सबने स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंडर में आपण मैं यदि यह सब पोस्ट को आवेदन कराया चाहते आपण मन में कौन सभी डाउट अच्छी तेल चेक करूँ वीडियो वीडियो मध्यम डिटेल्स अपडेट आपण मन सहित सेयार करें। तेरे निश्चिंत वीडियो को शेष जाए देखिए वीडियो भल लगे निश्चिंत वीडियो को लाइक करेंगे सांग सहित सेयार करने को जमार भूलें ना। चैनल ओडिशा जॉब डिटेल्स को प्रथम थर कर विजिट करते ओडिशा जॉब डिटेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल रे सेट करेंगे टाइम टू टाइम आपने गुरुत्वपूर्ण अपडेट आमरी ए चैनल जरिए पारे। एस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाव जोटि क्लिक करके आपने टेलीग्राम को जॉइन करेंगे। तेज देखो फ्रेंड्स, मुझे साइट ऑफिशियल साइट www.naukri.in मुझे एक आर्टिकल शो करी जो थी कि आपर डिटेल्स डाउट मुझे क्लीयर कर नहीं तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करनेबी आपठी जाइक भी चेक करेंगे। तेज देखो ए फॉर्म रे पचार प्रश्न गुड़िक कौन देखो हु क्यान आप्लाय यहाँ क्यों आवेदन करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये जो निजुक्ति आसी 2841 पोस्टर निजुक्ति आसी जो ओडिशार पाने आप्लाय करेंगे बोथ मेल आंड फिमेल समस्त कैटेगोरी पाने आवेदन करेंगे। एससी एसटी ओबीसी जनरल सब कैटेगोरी पिलाई फर्म टी आसी तेणुक आपण समस्ते फर्म को आवेदन करेंगे। हाउ टू अप्लाई यहाँ किपर आवेदन करेंगे देखो फ्रेंड्स, 1/1/2021 टू आरंभ करी 1/10/2021 टू आरंभ करी आपण मैंने 1/10/2021 पर्यंत यही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ऑफिशियली साइट मध्यम ओडिशा सबने स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो www.otriplesc.gov.in ऑफिशियल साइट रे आपण मैंने फॉर्म को आवेदन करेंगे। एथिरे आपण मानकर आउ गोटे प्रश्न रही व्हाट इज द सैलरी फॉर द पोस्ट। तो देखते फ्रेंड्स, आपण मानकर जो पोस्ट गुड़ आरआई अमिन एसएफएस फॉरेस्ट गार्ड एवं अबकारी जो थे कि आपण मानक दरमा 8880 टंका रहिबो। कंट्राक्चुअल पोस्ट रहिबो ग्रुप सी पदवी रहिबो जो थे कि आपण मानक कंट्राक्चुअल बेसिक रे नियुक्ति दिया जिवो माने 6 वर्ष जाए आपने कंट्राक्चुअल रहिबे तापर आपको रेगुलर करा रेगुलर पर बेसिक दरमा 18000 रहिबो तापर आपर टीए डीए एचआरए मिलेगी 24000 पाखापाखी दरमा हो तेणुक आपर जो सैलरी वर्तमान नियुक्ति पाइला 6 वर्ष जाए प्रत्येक मस 8880 टंका बेसिक सैलरी अनुसार आपे। परवर्ती प्रश्न था हाउ मच वैकेंसीज आर इन OSSSC 2021 2021 आसी। देखो फ्रेंड, 2841 पोस्टर वैकेंसी आसी 2021 सब डिपार्टमेंट रे भिन्न भिन्न वैकेंसी रही आपण चाहिए आमर वीडियो देखिपारे नचे आमर ऑफिशियल साइट विजिट करके डिटेल्स कौ पोस्ट केते वैकेंसी आसी से विषय आपने नजर पकई पारे। नेक्स्ट प्रश्न टी रही आपर जो प्रश्न कौन रही हाउ मच द आप्लिकेसन फी टू आप्लाय OSSSC ऑनलाइन फॉर्म माने OSSSC रे ऑनलाइन फॉर्म गुड़ी को आवेदन करे आपण मानक कौन आप्लिकेसन फिज दबाक पड़ो। देखो फ्रेंड्स, ना कौन सी आप्लिकेसन फिज दबाक पड़ो ना आपण मैंने मगणारे फर्म को आवेदन करेंगे। फ्री अफ कस्ट मध्यम आपण आप्लाय कर सब पोस्ट OSSSC जो जो पोस्ट आसी आरआई अमिन एसएफएस अबकारी फॉरेस्ट गार्ड जो थे कि आपड़ी आप्लाय करते मगणारे ही आवेदन करेंगे। तेज परवर्त प्रश्न रही इज देयर ट्रू देयर इज वन एग्जाम फर ऑल 5 जॉब्स इन OSSSC ओडिशा सबने स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंडर में जो 5 जॉब्र एग्जाम करा कौन गोटे एग्जाम रही है। हाँ फ्रेंड, समस्त गोटे एग्जाम रही है 180 मार्क प्रश्न से आसो। परवर्त प्रश्न रही द टोटल मार्क इन एग्जाम इज एग्जाम केते मार्क प्रश्न आसो जमी कह रखिले 180 मार्क प्रश्न आपण को देखा मिले। तेज एम आउ गोटे डाउट क्लीयर कर एरिथमेटिक इंग्लीश आउ एमआईएल ता सहित आपर कंप्यूटर नलेज जेनेल नलेज आपर
क्वेश्चन आसीबो तो टोटल पर आप मन जे चाहेबे को पार्ट रो केते आसीबो ता पे मु सिलेबस भी प्रोवाइड कर दे छी आप मन हमर साइट रे देखि परिबे नते त हम टेलीग्राम रे जॉइन करंतु मु सेरक सब शेयर कर दे छी जॉइन कला पर आप मन से सब को देखि परिबे सिलेबस वाइज मु आप मन को सिलेबस रे केते केते प्रश्न रहिबो एवं से विषय रे मु आप मन डिटेल्स रे जणै छी तेनु करे आप मन सिलेबस टिक देखंतु YouTube माध्यम रे वीडियो पब्लिश कर छी एवं साइट रे भी अपडेट दे दे छी जदी टेलीग्राम रे जॉइन करना टेलीग्राम रे जॉइन करंतु सेठी आप मन को डिटेल्स रे अपडेट मिल जिवो परवर्ती प्रश्न द एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड पई वयस सीमा केते आवश्यक करूची ते फ्रेंड देखंतु एठी फॉरेस्ट गार्ड पर नजर पकाइबा फॉरेस्ट गार्ड रे आपन मानकर नॉर्मल वयस 18 वर्ष रो आरंभ होउची जदि हम देखिबा यूआर कैटेगरी अनरिजर्वड कैटेगरी जो माने कि जनरल पिला रहिले से मानकर 18 वर्ष रो 32 वर्ष भितरे एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी पिला मान पई रिलैक्सेशन रहिची 5 वर्ष 18 रो 34 वर्ष रे होइतिबे एवं 18 वर्ष रो 45 वर्ष जे माने कि से माने ग्रुप सी किबा ग्रुप डी रे चाकरी करथिबे ओडिसा सरकारक अधीन रे ग्रुप सी ग्रुप डी रे चाकरी करथिबे एवं ए फॉर्म को आवेदन करे चाहुते ताहाले मानों पे बॉयज मां 18 वर्षरु 45 वर्ष तबे एठी आउ गुटे प्रश्न आछी द 2841 पोस्ट ऑफ ओ ट्रिपल एससी आर कॉन्ट्रैक्चुअल देखो फ्रेंड्स आपन मानकर ए जो पोस्ट रहिबो संपूर्ण रूपे कॉन्ट्रैक्चुअल रहिबो 6 वर्ष पई आपन मानको कॉन्ट्रैक्चुअल रहिबा पड़िबो 6 वर्ष परे आपन मानको रेगुलर करि दिया जिवो तापर प्रश्न कोन रहू देखंतु कैन अदर स्टेट स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द ओ ट्रिपल एससी देखो फ्रेंड्स एथि सब पिला अप्लाई करि परिबे ओ ट्रिपल एससी पई जदि बाहर स्टेट पिला आवेदन करछन तले किछि भी प्रॉब्लम नाही से माने भी अप्लाई करि परिबे किंतु से माने जदि आवेदन करूछंती एही पम पई ताले से माने केवल जनरल कैटेगरी बिलोंग्स करिबे से माने एससी एसटी ओबीसी होइतले किछि प्रॉब्लम पड़िबो नाही से माने जो फॉर्म टी अप्लाई करिबे तांकर फॉर्म टी को जनरल कैंडिडेट भाबे ग्रहण करा जिवो तबे निश्चित रूपे बाहर स्टेट पिला एहकू आवेदन करि परिबे परवर्ती प्रश्न फ्रॉम व्हिच डेट द एक्चुअल एज काउंट टू अप्लाई द फॉर्म एही फॉर्म को आवेदन करिया कोले आपन मानकर एक्चुअली डेट केबे थारु आवश्यक करूची देखंतु 1/1/2021 सुद्धा आपन मानको निम्नलिखित जेहु भी वयस दिया जाइछि जो जो पोस्ट में जति जति वयस रहि जेंदे फॉरेस्ट गार्ड कहि रखिले 18 वर्ष रु 32 वर्ष आपन मानु जति 1/1/2021 सुद्धा 18 वर्ष रु 32 वर्ष भीतर होतबो ताहाले आपन माने निश्चित रूपे अप्लाई करि परिबे 1/1/2021 तळु को जति 18 वर्ष तळु को रहतबो ताहाले अप्लाई करि परिबे नै निम्नलिखित वयस सीमा 1/1/2021 सुद्धा होबा आवश्यक रहिछि एथिरे आउ गोटे प्रश्न रहिछि कोन आई एम 18 इयर्स ओल्ड एंड आल्सो 10th पास व्हिच पोस्ट इज बेस्ट फॉर मी देखंतु आपण जदि 18 वर्ष होइछंती एवं दशम पास करिछंती अधिक पास करछंती 21 वर्ष हेइनी मिनिमम कथा कह गले 21 वर्ष हेइनी आपण प्लस 2 प्लस 3 करछंती किंतु 21 वर्ष आपण को हेइनी 18 वर्ष हेइछि दशम पास करछंती नॉर्मली दशम योग्यता अनुसार आपण अप्लाई करय चाहौछंती ताहले आपण सिंपली फॉरेस्ट गार्ड पे आवेदन करि परिबे परवर्ती जो प्रश्न रहिछि जो पिला पचारिसन देखंतु व्हिच पोस्ट आर प्लस 2 स्टैंडर्ड को पोस्ट टी प्लस 2 स्टैंडर्ड रहुची देखंतु एथिरे आपन मानकर 10th स्टैंडर्ड रे फॉरेस्ट गार्ड केबल रहिची एवं प्लस 2 स्टैंडर्ड रे जो पोस्ट रहुची एसएफएस स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर आरआई अमीन एक्साइज ए जो चारोटी पोस्ट रहिला ए चारोटी पोस्ट आपन मानकर प्लस 2 बेसिक बिलोंग्स करुची जदि आपन मान प्लस 2 पास करछंती एवं आपन मानको 21 वर्ष रु ऊर्ध होईची ताहाले आपन माने फॉर्म को आवेदन करिवेबे एथिसहित आपण मानकर वयस अपरि भी गोटे पिला प्रश्न पचारिसंती देखंतु एसएफएस आरआई अमीन एक्साइज एज लिमिट इज आपण मानकर जो पोस्ट गुडी रहिची जो पोस्ट गुडी प्लस 2 बेसिक रो पोस्ट रहुची सेति पई वयस सीमा केते आवश्यक करुची नॉर्मली आपण माने 21 वर्ष रु ऊर्ध होइतिबे 1/1/2021 सुद्धा ताहाले आपण माने फॉर्म को आवेदन करि परिबे सिंपली यूआर कैटेगरी पई 32 वर्ष पर्यंत एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी पई 37 वर्ष पर्यंत ग्रुप सी ग्रुप डी चाकरी जो माने करछन से मानन पई 45 वर्ष पर्यंत आवेदन करि परिबे तबे एथिरे आउ गुटी प्रश्न आछि छोटा सबटर गुरुत्वपूर्ण इज रेसिडेंट एंड कास्ट सर्टिफिकेट इज नेसेसरी देखंतु रेसिडेंट सर्टिफिकेट एवं कास्ट सर्टिफिकेट एथिरे नेसेसरी नाही आपण जेतले फॉर्म पकेबे आपण मानकर केवल सिग्नेचर एवं फोटोग्राफ आवश्यक रहिबो एथिरे कोनोसी रेसिडेंट एवं कास्ट सर्टिफिकेट आवश्यक रहिबो नाही वेरिफिकेशन टाइम रे आपण माने रेसिडेंट एवं कास्ट सर्टिफिकेट देखै देबे तबे परवर्ती प्रश्न रहिछि लास्ट टाइम आई अप्लाइड फॉर फॉरेस्ट गार्ड ठीक अछि लास्ट टाइम आई अप्लाइड फॉर फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट बट नाउ माय एज इज मोर देन 32 कैन आई अप्लाई सो फ्रेंड देखंतु एठी आपण माने आवेदन करि परिबे जदि आपण माने पूर्वरु फॉरेस्ट गार्ड पे अप्लाई करथिले एवं वर्तमान आपण मानकर 32 वर्ष रु अधिक वयस हेइ जाइछि आपण माने भाबुचंती कि ए फॉर्म को अप्लाई करि परिबे नै सेतले भूल अटे आपण माने वर्तमान ए फॉर्म को आवेदन करि परिबे तबे फॉर्म पकेला बेले गोटे ऑप्शन रहिबो जो घरे आपण टिक चिन्ह मारिकि आगु को बढिबार अछि एवं सेठी आपण मानको डिटेल्स दिया जाइथिबो जे लेखा जाइछि सेठी जे जदि आपण माने पूर्वरु फॉरेस्ट गार्ड पे आवेदन करथिले
ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ସରିଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନିହାତି ରୂପେ ଯଦି 32 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଭଳି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେକ୍ସନରେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯିବ। ଓ SSSC ତରଫରୁ ଆସିଥିବା 2841 ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପବ୍ଲିଶ କରିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିପରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ, ତା ଉପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏ ଡାଉଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।